तो फाइनली गाइस जबरदस्त रोमांस और ड्रामा से भरपूर होने वाली अपकमिंग मूवी यार यार 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, हमें साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म यार यार का सेकंड पार्ट देखने को मिलने वाला है, जिसे दिव्या खोसला कुमार ने डायरेक्ट किया था, जिसमें हमें देखने को मिले थे हिमांश कोहली, रकुल प्रीत सिंह, एवलिन शर्मा और उनके साथ साथ हमें इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर की भी जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली थी। और साल 2014 में रिलीज हुई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब हमें यारिया फिल्म का सेकंड पार्ट देखने को मिलने वाला है। तो इस बार हमें यारिया फिल्म में कौन कौन देखने को मिलेगा और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन होने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर आप सब ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो याद से कर देना हमारी इस वीडियो को लाइक। वेल गाइस, आप सभी को बता दें यार यार 2 जबरदस्त रोमांस और ड्रामा से भरपूर होने वाली है, जिसे राधिका राव और विनय सप्रू के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसमें हमें मेन लीड में देखने को मिलने वाली हैं पल्लवी पुरी, यशदास गुप्ता और उनके साथ हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है दिव्या खोसला कुमार। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, हमें इस बार यार यार 2 में दिव्या खोसला कुमार भी देखने को मिलने वाली है, जो कि इनके फैंस को खूब पसंद आने वाला है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें दिव्या खोसला कुमार की ये अपकमिंग मूवी हमें 12 मई 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द हमें यार यार 2 फिल्म का टीजर भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप सब जबरदस्त रोमांस और ड्रामा से भरपूर यार यार 2 फिल्म को देखने के लिए और इस फिल्म के आने वाले सॉन्ग को सुनने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस, अगर आप सब इस अपकमिंग मूवी से जुड़ी किसी भी नई अपडेट को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इस अपकमिंग मूवी से जुड़ी किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।